ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐनतिविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखय चक्षुरुम्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात् देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आप सभी श्रोता गणों का स्वागत है तो कल हम लोग ने 21वें श्लोक पे जो है हमारी चर्चा को समाप्त किया था तो सोलवे श्लोक से लेके इक्कीसवें श्लोक तक हम लोग ने देखा कि भक्ति का जो प्रगतिशील मार्ग है वो कैसा है कि पहले अगर सताम कृपा होती है मतलब भक्तों की अहेतु की कृपा तो हम लोग आगे तो फिर वही सताम कृपा जो है अः आगे अगर हम महत सेवा करते हैं तो आगे बढ़ते हैं और फिर यही महत् सेवा हमें श्रद्धा देती है जिसके माध्यम से हम दूसरे भक्तों को भी सेवा फिर से कर सकते हैं यही जो है सतम कृपा जो है गुरु पदाश्रय के लिए भी मदद करती है क्योंकि हम लोग ने देखा तीर्थ मतलब गुरु और यही जो जब गुरु पदाश्रय लेते हैं तो गुरु हमें जो है वो भजन क्रिया में संलग्न करते हैं और यही भजन भजनेशु प्रिया जो है इसको कहते हैं कि भक्ति करने की आतुरता जो होती है तो यही हमें आगे ले जाती है और अनर्थ निवृत्ति हमें छुटकारा मिलाती है और फिर जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो हम लोग जो है भक्ति में बिल्कुल निष्ठा पूर्वक अः आगे बढ़ते हैं और जब निष्ठा हमारे पास प्रचुर मात्रा में होती है तो रुचि फिर उसके बाद आसक्ति रति प्रेम भगवान का दर्शन होता है और हरेर माधुर्य अनुभव मतलब भगवान का सीधा अनुभव होता है हम लोगों को तो ये जो भक्ति का जो मार्ग है अगर कोई जो है इस भक्ति के मार्ग पे चलता है तो उसे क्या लाभ मिलता है तो कहते हैं कि विद्युत हृदय ग्रंथी हृदय में जो ग्रंथी है लेकिन वो कौन सी ग्रंथि है वो जो है गलत फेमियों की ग्रंथि है कि मैं जो हूँ मैं मालिक हूँ तो वो क्या करती है ये जो ग्रंथि है वो क्या करती सर्व संशय हमारे जो हृदय में जितने भी संशय है या डाउट्स है वो सारा क्या करता है वो छिद्यते कर देती है वो बिल्कुल काट देती है और क्षीयते चास्कर्माणी तो ये जो कर्मों का जो चक्कर है तो क्या हो जाता है वहीं पे कट जाता है और जब कोई व्यक्ति अपने आप को अगर स्वामी की भावना से देखता है तो उसका जब ये भागवतम सुनता है कोई व्यक्ति तो फिर ये सारे जो है गलत फहमी है ये सारे जो है गलत फहमी की जितनी भी गांठ योनी दर योनी बंधी हुई है वो छूट जाती है अब कहते हैं जो अगला वाला श्लोक है बाईसवें श्लोक में कहते है कि साधना भक्ति में भी कोई कठिनाई नहीं है क्यों कठिनाई नहीं है आगे हम लोग देखते हैं स्क्रीन शेयर करती मैं आपसे तो वह यो नित्यम भक्ति परम पर मुदा वासुदेव भगवती आत्म प्रसाद श्याम सुंदरी कर रही हूँ प्लीज पढ़िए हरे कृष्णा अतएव निश्चय ही सारे आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है तात्पर्य यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है।, श्री स्वयं रूप है और श्री बलदेव संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार गुणावतार लीलावतार युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं एवं समाकलित रूप है जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके अंश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति हैं। वे उन उच्च आध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं, जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठा स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो जैसा कुछ लोग समझते हैं, हैं उनकी लीलाएं शाश्वत हैं। और जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है जिस प्रकार प्रत्येक चौबीस घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद तो कहते कि साधना भक्ति में भी कोई कठिनाई नहीं है आ, क्यों क्योंकि जितने भी जो ऋषि मुनि है वो जो है भगवान को शुद्ध भक्ति ही यानी शुद्ध भक्ति के माध्यम से सेवा कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं कि भक्तिम परमाया मूढ़ा कु आत्म प्रसा प्रसाद बोलते कि बहुत आतुरता से सेवा करते हैं क्योंकि यही जो है भक्ति जो भगवान के लिए है ये बहुत ही uh, है 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 बहुत ही स्पूरित है, ए, किसी व्यक्ति के लिए तो अब जो है, ये वाला जो वाला सेक्शन है ना 16 से 22 तक का ये सेक्शन हम लोग के भक्ति के प्रगति में हम लोग भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं या भक्ति के प्रगति करने का मार्ग क्या है अब 23 से लेके उनतीसवें श्लोक तक ये वाला जो सेक्शन है उसमें बताते हैं कि सिर्फ किसकी पूजा करनी चाहिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ वही एक व्यक्ति है जो पूजनीय है और वो है भगवान श्री कृष्ण तो पहले वाले सत्र में बताया गया है भगवान की भक्ति की महिमा बताई गई है अब ये वाले सेक्शन में अः भगवान की महिमा के बारे में बताया कि भगवान की महिमा कैसे सर्वोच्च है और सिर्फ यही भगवान श्री कृष्ण है जो है वो पूजनीय है तो आइए देखते हैं तेईसवे श्लोक में सत्वम रजतम इति प्रकृते गुणते युक्त युक्त परम पुरुष एक ह्या धते स्थित हरि विरिंचि हर इति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तन्नो नृणु अनुमाता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ परम प्रिय माता जी श्री कृष्ण माता जी दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और वो भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं इन तीनों रूपों में सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं पहले जैसा ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्व पूर्ण अंश विष्णु तत्व है श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव कहा होता है बलदेव के बाद संकर्षण संकर्ष के बाद नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण तब इन संकर्ष से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदकशाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं ब्रह्मा रजस के विग्रह है और शिव तमस के ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभाग अध्यक्ष है विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनिष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं किंतु विशुद्ध आत्मवादी सत्व गुण के रूप में विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं जीव तथा ईश्वर दोनों विष्णु के रूप में सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं फलस्वरूप जीवों को विभिन्न अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजती होता है और एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट की दी जाती है किंतु जहां तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है वो विष्णु द्वारा उसी प्रकट संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है अतएव अतएव जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था जैसी संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है किंतु यदि कोई इस भक्ति रूपी बंदी गृह जीव को चालू रखना चाहता है तो वो ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए सुविधाओं की याचना कर सकता है किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं अतः ए चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद तो कहते है कि तीन गुण अवतार जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश इनमें से जो है विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि तमोगुण से बेहतर है रजोगुण लेकिन कहते हैं सतोगुण सर्वोच्च है, है। क्यों क्योंकि ये जो सतोगुण है ये हमें मदद करता है परम सत्य को जानने के लिए तो इसलिए कहते हैं कि सत्व गुण तक पहुंचना जरूरी है तो पढ़ते हैं दारुणो धूम तस्मात अंग्री त्री मय तमस तूरज तस्मात सत्व ब्रह्म दर्शनम सेजल माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ प्लीज पढ़िए हरे कृष्ण माता जी, जी। अग्नि कास्ट मृदा का रूपांतर है लेकिन कास्ट से बेहतर धुआ है अग्नि उससे भी उत्तम है क्योंकि अग्नि से वैदिक अग्नों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात कार कर सकता है तात्पर्य जैसे जैसा कि पहले कहा जा चुका है भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन को छुटकारा प्राप्त हो सकता है इसके आगे यहां पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके किंतु यदि प्रगति में बाधा आए आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद में भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए जो उन्हें तमस रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्त पद तक ले जा सकते हैं एफ यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभ प्राप्त होगा विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नास प्रकट होते रहते हैं एवं भौतिक शक्ति के विविध रूप जीवन को उस सत्व के तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते जो अकेला ही मनुष्यों को भाव बंधन से छुड़ा सके थैंक यू माता जी थैंक यू थैंक यू लता माता जी मैं आपको जी हरे कृष्णा माता जी जीवन की असव्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है रजोगुणी अवस्था है इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है जो दर्शन कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है किंतु सत्व गुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है जिसे परम सत्य के साक्षात साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधि अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा अगर आप देखोगे पिछले श्लोक में और ये वाले श्लोक में है ना तो क्यों विष्णु की ही काफी सराहना की गई है क्योंकि सिर्फ विष्णु ही आपको मुक्ति दे सकती है मुक्ति जो है शिव जी भी नहीं दे सकते और ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते हैं इसलिए विष्णु की इतनी सराहना हो रही है और ये वाले श्लोक में जो है जिस विष्णु के बारे में बोला जा रहा है वो है शिरोदक्षय विष्णु क्यों क्योंकि शीरो विष्णु जो है वो भौतिक जगत के साथ डील करते हैं इसलिए इसमें शिरोदक्षा विष्णु के बारे में बताया गया है और ये जो चौबीसवा श्लोक है इसमें अगर आप देखोगे कहते हैं कि जब जब धुआं निकलता है तो धुआं को है ना रजोगुण से बोलते तुलना की गई है और अग्नि को सत्व गुण से और जो लकड़ी है उसको जो है वो तमस अः से उसकी तुलना की गई है तो अगर हम देखेंगे कि ये जो चौबीस वर्ष लोग उसमें खास करके जो है वो क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म दर्शनम मतलब हमें जो है निराकार ब्रह्म निराकार जो है साक्षात्कार होना और फिर ये जो मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो है परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना है वरना क्या होगा कि व्यक्ति को या तो कुत्ते के शरीर मिलेगा या बिल्ली का शरीर मिलेगा आपको जो शरीर लेना है वो मिल सकते हैं लेकिन इसलिए व्यक्ति ने जो है सत्वगुण के ऊपर उठना चाहिए सत्वगुण तक तो उठना चाहिए ताकि वह योग्य बन जाए भक्ति करने के लिए और इसलिए जो है ये जो अग्नि है जो सत्व गुण है उसका है रोहना बहुत जरूरी है तो जो सत्व गुण में है उसको पता है कि मुझे क्या खाना है मुझे कैसे कितना सोना है मुझे कितना खाना है कितना सोना है कितना मैथुन करना है कितना मेरा बचाव करना है और वो जो है वो जानवरों की तरह जो है वो नहीं रहता है जानवरों के पास है ना भेद करने की क्षमता नहीं होती है सिर्फ मनुष्य के पास भेद करने की क्षमता होती है इसलिए जो है जैसे कि हम जो है हम बोलते हैं ना कि सूरज की रोशनी नहीं देख सकते हैं अगर हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे तो और हम भगवान को भी महसूस नहीं कर सकते हैं या जान सकते हैं अगर हम तमोगुण में और रजोगुण में स्थित है इसलिए हमें अगर रोशनी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें बाहर निकलना पड़ेगा उस कमरे से ताकि हम सूरज की रोशनी देख सके इसलिए तम यानी अंधकार और अंधकार से बाहर निकलना चाहिए रोशनी देखने के लिए तो अः अंधकार से निकलकर हमें सत्वगुण गुण में पहुंचना पड़ेगा जैसे कि एक हाईकोर्ट जज है अगर उसको आ, कोई मतलब जैसे आ, उसको कोई मतलब पैसे देते हैं उसकी सैलरी है ठीक है ना और वो सिर्फ उसको उसको सैलरी इसलिए देते कि तुम्हें सिर्फ इस यहाँ पर बैठना है और तुम्हें सिर्फ आ, आ, सिर्फ सोचना है तो अब देखो कितना अच्छा है ना कि सिर्फ एक व्यक्ति को एक जगह पर बैठकर क्या करना है सिर्फ सोचना है मतलब जो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है उसको सोचना है और उस पर अपनी बोलते ना कि उसको अपने डिसीजन देना है तो सतोगुण की बहुत वैल्यू है और सतोगुण की बहुत वास्तविक वैल्यू है क्यों क्योंकि जो रजोगुण और तमोगुण है उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्यों क्योंकि वो बिल्कुल फूलिशली एक्टिव है इसलिए जो सत्व गुण में होगा ना उसके लिए एक बहुत सोबर एक्टिविटी जरूरी है तो जो कहते हैं कि नहीं कोई भी जो है जो तमस के प्लेटफॉर्म पे है वो धीरे धीरे सत्व के प्लेटफॉर्म पे आ सकता है स्तर पर आ सकता है लेकिन उसके लिए उसको क्या जरूरी है उसके लिए उसको प्रामाणिक गुरु का निर्देशन में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि तो यही प्रामाणिक गुरु जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं या दिशा दे सकते हैं किसी भी स्तर से अगर मैं तमस में हूं, तो भी मुझे दिशा दे सकते हैं ताकि मैं सत्व तक उठ सकूं अगर मैं रजत के स्तर पर हूं तो भी मुझे सत्व गुण पे उठा सकते हैं ये गुरु तो श्री सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आ, आ, जैसे ही कोई जो बोलते ना कि कामसा जो है बोलते ना कि बेल मेटल को क्या कहते हैं हिंदी में ब्रास मेटल उसको बोलते हैं उस मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है आ, पीतल जिस तरह पीतल को जो है अः सोना बना सकते हैं जब उस पर मर्क्यूरी का एक बूंद डालते हैं तब तो उसी तरह कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल शूद्र योनि में भी अगर जन्मा है या शूद्र अः ना परिवार में भी अगर जन्मा है तो वो भी उस व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकता है जब कोई शुद्ध वैष्णव उसको दीक्षा देते हैं या उसको मार्गदर्शन देते हैं तो पीतल को भी सोना बना सकता है तो प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा कि आपकी क्या योग्यता है कि आप ये सब चीजें कर रहे हो और आपके पास इतना सब कुछ है तो प्रभुपाद बहुत विनम्रता से कहते हैं कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है मैंने तुम्हारी ये योग्यता बनाई हुई है तो उसी तरह जो गुरु है हमारी योग्यता बनाते हैं हमारे में कोई योग्य नहीं अगर आज हम लोग यहाँ पे अगर हम बैठ के भागवतम भी पढ़ रहे हैं तो ये गुरु की कृपा से हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि जिन लोगों की दीक्षा नहीं हुई है उनके गुरु तो अभी शिल प्रभुपाद ही है और हम लोग किन की किताब से पढ़ रहे शिल प्रभुपाद की किताब से पढ़ रहे हैं और जिनके पास गुरु है तो उन्हीं की कृपा से और उनके पास किसकी कृपा है उन गुरु के पास उनके पास भी शिला प्रभुपाद की कृपा है तो उनकी कृपा से जो है हम लोग यहाँ पे बैठ के ये भागवतम पढ़ रहे हैं तो ये जो योग्यता है वो कौन देते हैं गुरु देते हैं इसलिए हमें इतनी चिंता नहीं करना चाहिए कि मैं कौन सी दिशा में हूँ क्या हूँ मेरे पास कितनी कमियां है नहीं गुरु की कृपा होगी और परंपरा जो है वो हमें तार देने वाला है लेकिन आ, ह, हमें क्या करना है सिर्फ प्रयास करना है आ, ले, सिर्फ कोई भी एक्शन में जब हम कुछ एक्शन करते हैं उसमें भगवान की कृपा भी होना बहुत जरूरी है तो कोई भी कर्म में जो है तो दैव की भी कृपा होना बहुत जरूरी है इसलिए जो है हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हम गुरु के आदेशों का पालन करें और जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तब पालन करने की भी शक्ति या क्षमता जो है वो गुरु देते हैं वो जो पावर होती है वो पावर जैसे अः परम गौर गोविंद स्वामी महाराज को जी ने कहा था कि जाओ भुवनेश्वर में एक मंदिर का निर्माण करो अब जब गौर गोविंद स्वामी महाराज वहां पे पहुंचे भुवनेश्वर पूरा एक बोले ना बंजर जमीन थी वहां पे कुछ भी नहीं था मतलब ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी पानी तक भी नहीं एक बैर मिनिमम नेसेसिटी भी नहीं थी और वैसे वाले शहर में पर मुझे अः गौर गोविंद स्वामी महाराज ने भव्य मंदिर का निर्माण किया हुआ है तो कहाँ से आई इनकी एक इतनी शक्ति या क्षमता कि का जब आदेश मिलता है जैसे आपके गुरु आपको कोई आदेश देते हैं लेकिन आप ना बहुत मन पे ले लेते कि अरे मुझे ये सेवा जरूर करनी है हालांकि भागवतम क्लास में दिया होगा गुरु ने वो लेकिन अगर हम मन पे ले लेते हैं ना और मन में ठान लेते कि नहीं मुझे ये करना है तो वहां से आशीष भी आते हैं भगवान के आशीर्वाद गुरु के आशीर्वाद देते तो कहते हैं कि विष्णु के अलावा जितने भी उनके जो रूप है वो क्या है वो सारे जो आते हैं वो भौतिक शक्ति या भौतिक प्रकृति के अंदर ही आते हैं इसलिए बाकी कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता है सत्व लेवल पे आने के लिए सिर्फ भगवान विष्णु ही आपको हेल्प कर सकते हैं इस सत्व गुण में पहुंचने के लिए इसलिए कहते हैं ना कि अः आ, आ, ये जो सत्व गुण है ये सर्वोच्च है क्योंकि ये मदद कर रहा है हमें परम सत्य को जानने के लिए इवन ब्रह्मा जब ब्रह्मा भी जो है उनको जब पूछा गया था कि अ हम कश्यपुर ने उनको पूछा था कि आ, चलो आप पूछो आपको क्या वरदान चाहिए तो हिरण ने कहा था कि मुझे ना अमर बनना है तो ब्रह्मा जी कहते थे मैं भी अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमरत्व का दान कैसे दे सकता हूँ या वरदान कैसे दे सकता हूं तो ये जो अमरत्व का दान जो है वो ब्रह्मा जी भी खुद जो है वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो भी किस गुण में आते हैं वो रजो गुण में आते हैं इसलिए वो ये अः वरदान नहीं दे सकते हैं आइए हम लो लोग जरा पच्चीस श्लोक देख लेते हैं तो ये जो पच्चीसवा श्लोक है उसमें कहते हैं कि जितने भी पुराने ऋषि मुनि है वो जो है भगवान के दिव्य रूप की जो है वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं और वहां से जो है उनको मुक्ति का मार्ग मिल जाता है तो आइए देखते हैं जिरे मुनयो अथ मुनयो यो, मुन यो अथ्रे भगव भगवंतम अधम सत्व विशुद्धं क्षेमा कल्पते ये अनुता मोहित प्रभु प्लीज अनुवाद और तात्पर्य पढ़े मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है जी मत हरे कृष्ण माता जी पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की अथवा जो कोई इन महामुनियों का का अनुसरण करता है है वह भी इस संसार से मोक्ष अधिकारी बन जाता तात्पर्य महा मिनट चैट बॉक्स में एक प्रश्न पूछा गया है माता जी आपने कहा कि ब्रह्मा जो है वह शाश्वत नहीं है तो क्या विष्णु और शिव जी भी शाश्वत नहीं है तो अब जान लेते हैं अच्छा प्रश्न पूछा है जिन्होंने भी पूछा है कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी है ना वो जीव तत्व में आते हैं और शिवजी भी जो है वो जीव तत्व में आते हैं क्योंकि शिवजी ब्रह्मा से ही शिव जी आते हैं तो जो पहले जीव है वो ब्रह्मा जी है और क्योंकि ब्रह्मा से ही शिव जी उत्पन्न हुए हैं तो वो उनके पुत्र हो गए तो वो भी जीव कहलाते लेकिन विष्णु जो है वो शाश्वत है वो भत, मैं बताती हूँ क्यों ये शाश्वत है क्योंकि विष्णु जो है वो सीधे जो है भगवान कृष्ण से आते हैं जैसे हम लोग ने जस्ट अपना अः तेईसवे श्लोक में हम लोग ने पढ़ा कि कृष्ण से आते हैं बलदेव बलदेव जी से आते हैं नारायण नारायण से आते हैं शंकर अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वसुदेव और फिर वही शंकर से आते हैं एक्चुअली नारायण बलदेव से एक्चुअली आते हैं महाशंकर महाशंकर से भी आते हैं नारायण नारायण से आते हैं चार और फिर चार जो है अनिरुद्ध वसुदेव प्रद्युम्न और शंकर तो इन शंकर से भी आते हैं महाविष्णु महाविष्णु से तीन और पुरुष अवतार आते गर्भोदक्षाय विष्णु शीरो विष्णु और कारण दक्षा विष्णु तो अब ये जो विष्णु है जो आ, जो जिस विष्णु की हम बात कर रहे हैं कारणों विष्णु तो ये जो विष्णु है ये सीधे जो है भगवान के अंश के भी अंश है तो एत, अभी हम लोग तीसरे अध्याय में देखेंगे भगवान कहते हैं कि एते चांस कला पुमसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं तो अंश है भगवान के इसलिए जो है वो शाश्वत है और बार बार जब भी होगा तो भगवान आएंगे क्योंकि ये शिरो विष्णु कारणों विष्णु और गर्भोदक्षा विष्णु की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि कारणो दक्षा शिरो विष्णु जो है वो जो है परमात्मा है मतलब सभी जीवात्मा के एक परमात्मा के जो हेड होते हैं वो है और जो कारणोदक्ष विष्णु है वो प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करके परमात्मा रूप में बसते हैं अब इन सभी परमात्माओं के भी जो बोलते ना हेड है या मास्टर है वो है शिरोदक्ष है विष्णु ठीक है ना थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आप समझ जाओगे तो यस जो ब्रह्मा जी है और शिव जी है वो पोस्ट है क्योंकि जब सृष्टि का जब संहार होता है तो ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों विष्णु के बॉडी में समा जाते हैं और वापस जब क्रिएशन होता है जब सृष्टि का सृष्टि की रचना होती है तो वापस ब्रह्मा और शिव जी भी उत्पन्न हो जाते हैं है, है? है। जी, मतलब जी, तात्पर्य धर्माचरण का प्रयोजन ना तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है ना ही आत्मा और प्रदास के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है भगवान ही प्रधान रहते हैं अथवा धार्मिक नियमों का का संचालन स्वयं भगवान भगवान द्वारा होता है तथा धर्म उद्देश्य अर्थात के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता भगवान के ऐसे बारह महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वैसे ही भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें थैंक थैंक यू यू जी बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ा आपने तो अब अगले वाला जो छब्बीसों वाला श्लोक है हालांकि ये तो काफी स्पष्ट श्लोक था तो मुझे उसको समझाने तो छब्बीस और सत्ताईस में कहते हैं कि जो देवी देवताओं की उपासना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और देवी देवताओं की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए देखते हैं मुक्ष घोर रूपान हित्वा भूतपति नारायण कला शांता भजती ही सीमा माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ प्लीज अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए हरे कृष्ण जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांसों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्नांश, भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारी देवता भी भिन्नांश हैं वे, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाशंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध कर अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं हरे कृष्ण माता जी मैं आपको कर रही हूँ प्लीज पढ़िए अगला वाला कृष्णा ये विभिन्न विभिन अंश अपने अपने भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है यथा काल भैरव शमशान भैरव शनि महाकाली तथा चांडी चंडिका इन देवताओं की पूजा वे वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्न निम्नतम अवस्था में होते हैं ब्रह्मा शिव सूर्य गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं किंतु जो सचमुच सतोगुणी है वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप है यथा नारायण दामोदर वामन गोविंद तथा अधोषज So, ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्य विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्षा नहीं करते वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अन्यंत भयानक है वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं किंतु इतने पर भी देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि वह भौतिक जगत में मोक्ष पाने की उत्कृष्ट इच्छा रखते हैं सारे देवता यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ महा ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते हृण कश्यपो ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं जब वह स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को वह किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं परम लाभ नहीं यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं यद्यपि से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते हरे कृष्ण थैंक यू माता जी थैंक यू तो मुझे पता है कि इस देवी देवता के सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं तो uh, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि सिर्फ देवी देवताओं को ही क्यों नहीं करना चाहिए पूजा तो देखिए जो लोग बहुत ही मुक्ति के लिए बहुत ही सीरियस है तो वो जो है वो बिल्कुल ना ईर्षा नहीं करते हैं वो सभी को बहुत ही आदर प्रणाम देते हैं फिर भी जो है वो देवी देवताओं के जो भी है स्वरूप को वो उनको रिजेक्ट करते हैं वो त्यागते हैं और भगवान विष्णु के जो आनंदी रूप है उसको जो है वो स्वीकार करते हैं तो लोगों को नहीं पता है कि मुमुक्षुआ जैसे जो मुक्ति पद है वो ओ, ओ, कैसे प्राप्त किया जा सकता है जितने भी साइंटिस्ट है फिलोसोफर है उनको अभी तक ये नहीं पता है कि किस तरह से हमें मुक्ति मिल सकती है जैसे प्रभुपाद जो है वो हमेशा चैलेंज करते हैं मीटिंग में कि नॉन वायलेंस जो है नॉन वायलेंस जो है बोलते ना कि नॉन वायलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं अहिंसा तो कहते हैं कि लेकिन एक्चुअली वो लोग वायलेंस ही कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जो है उन लोगों को एक मौका जो है जो वास्तव में मुक्ति का जो मार्ग है उसके लिए जो है वो ले ही नहीं जा रहे उस मार्ग पे तो इसलिए जो है जो ना वास्तव में अगर कोई अहिंसा कर रहा है तो वो अपने आत्मा की जो घात कर रहा है तो वो लोग लोगों लो, को लगता है कि मुक्ति जो है सिर्फ पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स की दृष्टिकोण से देख रहे हैं लेकिन मुक्ति मतलब क्या मुक्ति मतलब मुक्ति का डेफिनेशन है ये मतलब व्याख्या है ये मुक्ति मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना और आज के दौर में ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये प्रशिक्षण दे अपने जीवन का असली लक्ष्य क्या है लोगों को पता ही नहीं है लाइक मुझे भी नहीं पता था कि मेरे जीवन का असली लक्ष्य क्या है मुझे मैं भी सिर्जेस इंजीनियरिंग करना था और एक अच्छी सी कंपनी में एक जॉब चाहिए थी दस मेरा उतना ही गोल था बट जब इस कौन में आए तो पता चला कि अच्छा जीवन का असली लक्ष्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति और हम जो है एक मिथ्या चीजों के लिए भाग रहे थे और और जब कोई व्यक्ति जो है ईर्षा रहित होता है तो वो जो है वो भगवान को स्वीकार कर सकता है कि वो परम है अगर किसी व्यक्ति में भगवान के प्रति ईर्षा है तो वो भक्ति का मार्ग नहीं अपना सकते इसलिए धीरे धीरे हम लोगों को लोगों को इस मार्ग पे लेके आना है कि वो भगवान से ईर्षा ना करे क्योंकि जब आध्यात्मिक जगत में हम थे तो हमने भगवान से ईर्षा की थी इसलिए हम लोग यहाँ पे आए अब धरती पे अगर हम लोग भगवान से ईर्षा करेंगे तो कहाँ जाएंगे नीचे नर की ओनियों में जाएंगे तो, तो इसलिए जो है अः जो लोग भगवान कृष्ण से ईर्षा करते हैं तो वो किन की आराधना करते हैं देवी देवताओं की आराधना करते तो भी कहते हैं कि जो 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 मैंने जो भारतवासियों को ये ज्ञान प्रस्तुत किया तो मैं यहाँ पे बिल्कुल मुझे सफलता नहीं मिली क्यों क्योंकि जितने भी भारतवासी हैं वो भगवान कृष्ण से ईर्षा करते हैं इसलिए सफलता प्राप्त नहीं हुई लेकिन जब मैं पाश्चात्य देश में आया इन लोगों के पास भगवान कृष्ण के लिए ईर्षा नहीं थी इसलिए उन्होंने तुरंत अपनाया अब पाश्चात्य देश वालों को देखकर फिर भारतवासियों ने भी कहा कि अच्छा वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं तो भगवान जो है अपना विस्तार जो है अलग अलग कैटेगरी में करते हैं तो कहते एक एक, एक मैंने आपको ना चार्ट भेजा था मेरे ख्याल से वो उसमें देख लेना जो भगवान का जो स्व अंश है वो विष्णु तत्व है और जो विभिन्न अंश है वो जीव तत्व है तो ये जो स्व अंश है ना जैसे विष्णु है महाविष्णु है गर्भदक्षा विष्णु है तो ये जो है ये भगवान जितने ही पावरफुल रहते हैं और ये भगवान के सारे विष्णु के ही रूप होते हैं और ये सारे विष्णु रूप जो है ये आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और जीव तत्व में जो है लिमिटेड पावर है जब तक भगवान ने कुछ पावर नहीं दी वो पावर देते हैं और फिर पावर खींच लेते जैसे मान लो अः पृथु महाराज को पालन शक्ति दिया या अर्जुन को जो है युद्ध मैदान पे लड़ने की क्षमता दी या शक्ति दी जब युद्ध समाप्त हो गया तब भगवान ने क्या किया वो शक्ति ले ली और जो है अः ये जो जीव तत्व है ये आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं जितने भी है देवी देवता है ये भी सारे जीव तत्व में आते हैं तो ये भी आपको मुक्ति नहीं दे सकते हैं टेम्पररी आपको लॉलीपॉप दे सकते हैं कि चल भाई थोड़ा कुछ पैसा ले ले ये ले ले वो ले ले वो खत्म हो जाएगा लेकिन शाश्वत जो मुक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ाने का जो मार्ग है वो देवी देवता नहीं कर सकते लेकिन हाँ हमें देवी देवताओं की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है या उतना ही सम्मान देना है क्योंकि ये सारे देवी देवता जो है मनुष्य से भी ऊंचे है और ऊपर है और मनुष्य से भी अच्छे भक्त है भगवान के ये भगवान की शुद्ध तो में गिने जाते हैं जैसे शिव जी को कहते हैं वैष्णवाम शंभो वैष्णव में जो श्रेष्ठ है वो भगवान शिव है या अभी दूसरे स्कंद में अगर आप हम आएंगे तो एक्चुअली हम लोग इंग्लिश में दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं उसमें अगर आप देखो ब्रह्मा जी की विनम्रता क्या है भगवान के सामने कि जो जो मुख्य रचेता है सृष्टि के वो भगवान कृष्ण है लेकिन जो गौंड रचेता है सेकेंडरी क्रिएटर है वो ब्रह्मा जी है लेकिन जब भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं तो कहते हैं कि मुझे आलस से और अहंकार से बचा के रखिएगा क्योंकि मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो सृष्टि की रचना है वो मैंने की है हालांकि किया तो आप ही ने है मेरे सिर्फ एक नाम टैग लग रहा है तो प्राइमरी क्रिएशन तो भगवान ने किया लेकिन मैं तो सिर्फ जो है उसमें क्या कर रहा हूँ जाके थोड़ा डिजाइनिंग कर रहा हूँ इसलिए अब देखो ब्रह्मा जी भी भगवान के शुद्ध भक्त है वो भी विनम्रता दिखा रहे हैं और ब्रह्मा संहिता में तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने तो कितना कुछ गुणगान किया हुआ है भगवान का इसलिए अः किसी ने भी विष्णु तत्व अः को जो है अः भगवान के अंश में नहीं जो है कैटेगरी करना चाहिए वो भगवान के स्व अंश है स्वयं अंश है और अगर जो है कोई सोचेगा कि ये जितने भी जो है विष्णु तत्व भगवान के अंश है तो फिर वो क्या बन जाएगा वो पाषंडी बन जाएगा इसलिए अब जो है जितने भी अः क्या कहते हैं गुण है और गुणों के हिसाब से लोग जो प्रभावित हो जाते हैं तो अलग अलग प्रकार से वो लोग अपने देवी देवता चुनते हैं जैसे अः कोई जो है तमोगुण में है तो वो किन की पूजा करेंगे काल भैरव की या शनि महाराज की या महाकाली की या चंडी की तो ये लोग तमोगुण में है अब रजोगुण में किन की जो रजोगुण में है तो वो किन की आराधना करेंगे आराधना वर्ड सिर्फ भगवान के लिए ये पूजा करेंगे तो जो रजोगुण में है वो सूर्य देवता की गणेश जी की शिव जी की ब्रह्मा जी की और दूसरे ऐसे देवी देवता की लेकिन जो सतोगुण में है वो सिर्फ विष्णु तत्व की ही सेवा करेंगे नारायण की दामोदर की वामन की गोविंदा की तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये जो है जो जो विष्णु की भक्ति करते हैं जो नारायण की भक्ति करते हैं जो दामोदर की ये लोग जो है देवी देवताओं की उपासना को रिजेक्ट करते हैं हालांकि कोई मतलब उनके पास बोलते हैं ना कि असम्मान नहीं है देवी देवताओं के लिए लेकिन उनको पता है कि मुझे जो है मुक्ति सिर्फ विष्णु की ही आराधना करने से मिलने वाली है बाकी किसी से भी नहीं मिलने वाली है तो तो जैसे हम लोग भी जाते थे, हम लोग भी हमारे घर में नवरात्रों के व्रत रखते थे नौ दिन के रखते थे देवी की पूजा आराधना करते थे तो अः जो, जो तो फिर जो सिर्फ भगवान विष्णु के ही रूपों पर फोकस करते हैं तो वो लोग जो है वास्तव में जो है बहुत सीरियस है मुक्ति पाने के लिए और ये जितनी भी भौतिक कलमशों से मुक्ति पाने के लिए ये वो है इसलिए कहते हैं कि इसे भगवान को एक नाम दिया गया है मुक्ति पद मुक्ति पद मतलब क्या जो आपको मुक्ति दे सकते हैं बाकी कोई भी देवी देवता हमें मुक्ति नहीं दे सकते जैसे आ, द, जो देवी देवता है वो सिर्फ कुछ क्षणिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो परम लाभ है वो नहीं प्रदान कर सकते एक जेल में अगर कोई एक कैदी है तो वो अपने बोलते हैं ना कि सुपरिटेंडेंट को जो है वो प्रसन्न करता है तो उसको कुछ टेम्पररी फैसिलिटी मिल सकती है अच्छा खाना अच्छा कंबल या अच्छी सोने की व्यवस्था या जो भी है लेकिन ये जो सुप्रिंटेंडेंट है उसको जेल से नहीं निकाल सकता है सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको जेल से निकाल सकता है उसी तरह सिर्फ विष्णु ही हमें इस भौतिक जेल से निकाल सकते हैं और दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो हमें इस भौतिक बंधन से छुड़ा पाएगा सिर्फ भगवान की भक्ति से ही हम इस भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं तो अः अः हिरण्य का हम लोग ने जो है उदाहरण देख लिया उसमें और इसे कहते हैं कि इसकोन जो है क्यों कहा गया है कृष्ण भावनामृत है भगवान भावनामृत क्यों नहीं कहा गया है क्यों क्योंकि आप कृष्ण के पास आओ और आप बच जाओगे आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाओगे तो ये वाले जो है छब्बीसवे वाले श्लोक में एक्चुअली ये कहा गया है आइए हम लोग अगला वाला श्लोक देते हैं ज तम प्रकृत समजंती वै पितृभूत प्रदेश आदिना श्रीय ऐश्वर प्रजा संगीता तोमर माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ पढ़िए हरे कृष्ण जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापो के आभारी प्रभारी है क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है भगवदगीता में आ, ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा आगे uh, नोटिस कर रही हूँ अर्चना श्रॉफ माता जी हाथ खड़ा करके नीचे कर देते हैं तो मैं जब जैसे बोलने वाली कि अगला आप पढ़ो तो माता जी का हाथ नीचे हो जाते माता जी आपको पढ़ना है तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी पढ़िए यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा तो अरे करने अरे की कोई आवश्यकता नहीं है ये वाला पढ़ लिया है यहाँ से पढ़ना है हमें अधिक भौतिक अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना जो लोग भौतिकता में भी निमग्न हैं उन्हें अधिक धन अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुटिलता कुलिंता जैसी वस्तुएं चाहिए क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता है किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है इस सिद्ध सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है उन्हें बढ़ाना नहीं भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ये देवता भगवान के द, दास मात्र हैं। फलता यह जल वायु प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्ति परक धर्म का पालन करना चाहिए इसे वह धीरे धीरे भगवान के दाम पहुंच सकेगा हरे कृष्ण माता जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा

लता कुंड माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूं। आगे पढ़िए जी आप जी जब जब भगवान साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कह आ, कहर, कह कर की गई है संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वह है भागवत धर्म जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है अन्य किसी की नहीं बहुत अच्छा तात्पर्य है ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला तात्पर्य ये जो सत्ताईसवें श्लोक में एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि जो लोग रजोगुण और तमोगुण में हैं तो वो जो है अः सेम कैटेगरी के लोगों को उनकी पूजा करेंगे जैसे पितरों की करेंगे या देवी देवताओं के करेंगे या फिर उनको कुछ लाभ मिले और किसी स्त्री के साथ कुछ लाभ मिले या धन मिले या पावर मिले या संतान मिले इसके लिए लेकिन जो लोग जो जो है ना जो लोग भगवान की आराधना करते हैं तो उनको जो है मुक्ति तुरंत ही मिलती है और जो विष्णु की आराधना करते हैं तो तुरंत ही मुमुक्ष तो ऐसा जो भक्त है वो जो है उसको टेम्पररी बोलते हैं ना कि ये नहीं चाहिए शिष्टाष्टकम में हम लोग रोज सुबह पढ़ते हैं कि मम जन्मनि जन्म में ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वई मुझे सिर्फ आपका जन्मो जन्म में सिर्फ दास दास के ही रूप में रहना है और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति कर तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सीरियस है भवधाम जाने के लिए तो उसे जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए उनको रिस्पेक्ट करो उनको आदर करो लेकिन उनकी पूजा आराधना नहीं करनी है और जो कोई भी पागल है भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए तो फिर वो जो है देवी देवताओं के पास जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है गीता में कहा गया है कि इनके पास जो है वो कम बुद्धि के लोग हैं और जो भौतिक जो बोलते हैं ना भौतिक आनंद है उ, उस उस पॉइंट तक ही स्वीकार करना चाहिए जहां पे आपको अपनी अः जैसे बोलते ना कि कुछ जरूरी चीजें करने के लिए जैसे आपके पास घर होना चाहिए या अच्छा खाना होना चाहिए या अच्छा पहनने के लिए होना चाहिए उतना ही है उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है और जितना हम ज्यादा भौतिक इंद्र तृप्ति करेंगे उतना ही हम अपने आप को इस अः संसार में बांधते जाएंगे और कष्टों से घेरे जाएंगे हम लोग तो जितना हमारे पास धन है जितनी हमारे पास स्त्री के लिए भोगने की लालसा है या मिथ्या उसको कहते हैं कि मिथ्या अमीर बनने की ख्वाहिश है हमारे पास तो ये जो है ऐसा व्यक्ति जो है ये भगवान की जो है पूजा आराधना नहीं कर सकते इस व्यक्ति के पास तो भगवान के बारे में हालांकि बोलते ना इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि अरे भगवान की जो भक्ति वो सर्वोच्च है तो जब कोई विष्णु की भक्ति करता है तो उसको जो है है सिर्फ इस जन्म में ही उसको उसको लाभ नहीं मिलता है। उसको जितने भी वो इस धराधर पे जन्म लेगा उस हर जन्म में उसको लाभ ही लाभ मिलना है इसलिए जीवन का लक्ष्य है कि ये जितने भी है दुखों का अंत करे न कि इसको बढ़ाए और उसके लिए जो है हमारी जीवन शैली जो है वो बहुत ही उच्च विचार भगवान का करना है तो भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक आनंद के लिए हमें देवी देवताओं को के पास जाने की जरूरत नहीं क्योंकि देवी देवता भी कौन है भगवान के ही अंश है और भगवान के ही दास है तो वो लोग तो जो है उनकी वो उनकी ड्यूटी है कि हवा देना पानी देना और सूर्य सूर्य की रोशनी देना लेकिन अगर हम भगवान को अगर हमारी कोई भी इच्छाएं है तो आपकी जो भी इच्छाएं है वो चाहे वो भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो तो वो जो है आप सिर्फ भगवान के पास जाके करो काम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरते तीव्रे न भक्ति योगे न। तो कहते कि आपके पास कोई भी काम का काम वासना हो या नहीं हो लेकिन आप फिर भी किसके पास जाओ भगवान कृष्ण के पास ही जाओ तो हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई मुझे आपके पास ही आना है मेरे पास बहुत ही भौतिक इच्छाएं है लेकिन मैं आपके पास आया हूँ मुझे भौतिक इच्छाएं कम करनी है तो भगवान भौतिक इच्छाएं भी कम कर देते हैं तो भगवान कृष्ण जो है जब वास्तव में व्रज धाम में थे तो उन्होंने भी ये अः बोलते देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि आपका एक ही काम है कि आप जो है अः कि आप मेरी पूजा करो आप भगवान में जो है वो श्रद्धा रखो तो Uh, कहते हैं कि अगर भगवान हमारा हृदय भी तोड़ते हैं तो भी हमें जो है हमें उनके कमल नहीं छोड़ने है। जैसे के श्लोक में हैं। मत दर्शना मर्मता करो तो यथा तथा विध धातु लम पटो मत प्राण ना से तो इसलिए एक ही धर्म हम सभी को जो है वो पालन करना है हर वो है क्या वो है भागवत धर्म और ये भागवत धर्म क्या बताता है कि भगवान की आराधना कैसी करती है भगवान से प्रेम कैसे करना है बाकी सारे धर्म जो है वो क्या है कैतव धर्म है चीटिंग धर्म है वो और देवी देवता की पूजा सिर्फ भौतिक लाभ के लिए करना तो ये तो जो है इसको कहते हैं कि ये बहुत ही कैतव धर्म है और इसलिए जो है एक व्यक्ति को अगर परिश्रम करना है तो भगवान के लिए भक्ति करके परिश्रम करो ताकि जो है उसे लाभ मिलेगा भगवान की भक्ति करने के और लेकिन जब ये भक्ति कर रहा है तो देखना चाहिए कि हमें श्रद्धा भी होना चाहिए हमें गुरु के गुरु की सानिध्य में भी ये सब करना है और धीरे धीरे वो जो है भगवत धाम की तरफ मुड़ेगा वरना जो है वो जाएगा स्वर्गलोक में वापस उसको यही भी धर पे गिरना पड़ेगा ठीक है ना तो आइए हम लोग अगला वाला श्लोक देख लेते हैं अट्ठाईसवा श्लोक तो कोई पूछ सकता है लेकिन पितृ और देवता अब तो कहते हैं कि पूजनीय होने चाहिए हमारे पितृ पूजनीय है वेदों में भी लिखा गया है कि पितृ पूजनीय है तो क्या गलत है इनकी यू नो पूजा आराधना करने की क्योंकि वेदों में लेकिन वेदों का जो असली लक्ष्य है वो वासुदेव है और ये वासुदेव क्यों है आइए देखते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परावेदा वासुदेव परा परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव पर ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति प्रियंका आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू प्लीज रीड अनुवाद तात्पर्य अनुवाद प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है योग योग उन्हीं, उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है सारे सकाम कर्म अंत उन्हीं के द्वारा प्र, प्रस्तुत होते हैं वे परम ज्ञान परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जन जानने के लिए की जाती है उनकी प्रेमपूर्ण सेवा करनी करना ही धर्म है वे वे ही जीवन के चर, चरम लक्ष्य हैं। तात्पर्य इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वेदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जी पुनर्जीवित किया जाए यही वेदों का सार तत्व है इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर के रूप में अतिरिक्त होकर भौतिक प्रस्तुति के बद्ध पतिता पतितात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए नि, निर्मित किए गए हैं कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन में बंधन से मुक्ति मिल पाती हैं वे उनके जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं थैंक यू थैंक यू आ, लता ईश्वर माता जी मैं आपको ना अनम्यूट कर रही हूँ आप पढ़िए है माता जी हरे कृष्ण माता जी कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म अनुष्ठानों पर टिके हैं यह सच है किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना किंतु इस विधि ध्यान आसन ध्यान प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त निमित होती हैं परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्तियों के द्वारा विपत्त हो जाते हैं ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें यदि ऐसे भाग, भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारता भूल जाते हैं ओके okay, तात्पर्य बड़ा है hmm. विभा रानी माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ पढ़िए थोड़ा तेज पढ़िए यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है तपस्या का अर्थ है कि किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना रावण तथा ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक थे कभी कभी-कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक का काम अः साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं यह वास्तव में तपस्या नहीं है मनुष्य को चाहिए कि वसुदेव को जानने के लिए वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वसुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। भगवत गीता 14.4 अतएव वे समस्त जीवों के आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता हैं। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला माता पिता नहीं हो सकता जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वसुदेव को कर ही की जानी चाहिए हरे कृष्ण महा थैंक यू थैंक यू प्रिया तुलसानी माता जी मैं आपको जी कृष्ण वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं गुण गुणता में उनकी अतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती है और बहिरंगा शक्तियां निष्कृष्ट होती है भगवदगीता में यह भगवद गीता में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है अतीव अतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निष्कृष्ट होता है जीवात्माएं भी उन्हीं आ, के विस्तार अंश हैं जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं और जो भौतिक शक्तियों से उद्भुत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं अतएव ज्ञान तप त्याग तथा कर्म का सारा अनुशील हम हम पर पड़ने वाला हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं अतएव इसके प्रभाव या फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशील अनुशीलन करना चाहिए भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतना जिनका हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं वे अतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि के उत, उत्पत्ति पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति है ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं वह सब भगवान वसुदेव के सहायकों के समान है यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव की शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं यद्यपि वे भौतिक जगत के को स्वीकार करते हैं किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं निम्नलिखित तो उदाहरणों से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी एक बंदीग्रह में बंदी होते हैं और बंदी के व्यवस्थापक भी होते हैं किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदीग्रह में आता है तो वह बंदीग्रह के नियमों से बांधा बंधा नहीं होता राजा सदैव बंदीग्रह के नियमों से परे होता है ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं हरे कृष्ण थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच तो मैं हम लोग यहीं पे विराम देते हैं इसका ना एक्सप्लेनेशन मैं कल दूंगी थोड़ा रिकैप दे दूंगी इस श्लोक का क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि यहाँ तक जो है पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है और अब जो है चौथे प्रश्न का उत्तर जो है श्री सूद गोस्वामी देंगे जो उन्होंने पूछा था जो ऋषि श्रेणी के ऋषि ने पूछा था अवतार के बारे में कैसे वो जो है शिष्टी की रचना करते हैं कैसे उनकी तो इसलिए फिर ये इसका कल हम लोग देख लेंगे तो किसी का कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ माता जी हरे कृष्ण जी मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि ना कल ऑफिस में मेरे फ्रेंड ने इसमें सवाल पूछा मुझसे कि उसने कोई बुक पढ़ी कहा था कि विष्णु भगवान जो भगवान है बाकी सब देवता है विष्णु भगवान के अलावा सब देवता है तो उसने पूछा ऐसा क्यों है शिव जी भी भगवान है तो मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं है गीता में लिखा बताया गया कि विष्णु भगवान जी भगवान है बाकी शिव जी देवता भगवान नहीं है वो तो जैसे कि उसने बताया कि शिव जी जो शिवजी उनकी आयु नहीं है मतलब उनका अंत नहीं है ब्रह्मा जी की एक आयु सौ वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी बट से शिवजी और शाश्वत है विष्णु शाश्वत है और उसने बोला जैसे राम जी ने उतार लिया था तो उन्होंने रामेश्वर उन्हों शिवटिंग बनाया उन्होंने कहा कि शिव जी मेरे भगवान है अच्छे उन्होंने बोला मैंने कहा वो लीला की थी बट वो वास्तविक नहीं है वास्तविक में भगवान राम ही भगवान है और जो महादेव देव है बट उसको मैंने ऐसे उत्तर नहीं दे पाया जिससे कि वो समझ समझ सके इस बात को तो मैं ऐसा क्या बताऊँ से वो समझ सके मेरी बात को कि शिवजी भगवान नहीं वो देवता है थोड़ा जो हेल्प कर दीजिए माता जी के बारे में प्रभु जी ये जो रामेश्वरम में जो कह रहे हैं ना तो क्या होता है ना कभी कभी भक्त जो है भगवान जो है अपने भक्तों को भी सराहना करते हैं भगवान अपने भक्तों को अपने से भी ऊंचा मानते हैं तो ये जो है ये भगवान का बड़प्पन है शिव जी के लिए ठीक है ना और उनको पूछो कि कहाँ पे आपने पढ़ा है कि शिव जी भगवान है मुझे बताओ तो हमें ना तीन चीजों पे हमारा कोई भी ना कॉन्वर्सेशन आधार रहना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र तो कोई भी आपके साथ ऑफिस में तर्क करता है ना तो उसको बोलो कौन सी किताब में लिखा है तू लेके आ पढ़ के दिखा मुझे हालांकि आजकल लोगों के पास क्या है ना आजकल क्या इवन बिफोर टेलीविजन आने के पहले भी मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ कानों सुना वो विश्वास कर देते हैं लेकिन वो प्रत्यक्ष में देखते ही नहीं है हम जो है गुरु साधु शास्त्र पे हम लोग और हम शब्द प्रमाण पे जाते हैं किसके शब्दों पे गुरु साधु के शब्दों पे जाते हैं तो उसको बोलना कि कहाँ लिखा है कि शिव जी भगवान है उनको भगवान का टैग जरूर दिया है लेकिन कहते हैं ना कि जैसे नारद को भी भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को भी भगवान कहते हैं लेकिन जो भगवान वास्तव में है वो छह ऐश्वर्य पूर्ण है पूर्ण बल पूर्ण सौंदर्य पूर्ण शक्ति पूर्ण ज्ञान तो फिर अगर शिव जी का पूर्ण ज्ञान था तो फिर ऐसा वरदान क्यों दिया था वृद्ध को अगर ज्ञान ही था तो या ब्रह्मा जी के पास ज्ञान था तो फिर हिरण कश्यप को ऐसा वरदान क्यों दिया तो ये जो है ना थोड़ा हमें भी एक्चुअली उनको बोलना चाहिए बिकॉज अभी हम लोग नए नए हैं ना इसलिए हम डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे मामले में तो कहा गया कि चुप ही बैठो भाई हाँ भाई तू कह रहा है शिव जी महान तो है तो महान ही है लेकिन अगर आपका बहुत घनिष्ट मित्र है और सुनने के लिए तैयार है आपका तो बोल आ तो पढ़ेंगे तो लोग क्या है ना सुनी सुनाई बात सुन लेते हैं शिव जी भगवान है उसको लगता है क्योंकि वो उसका मत है लेकिन उसके मत से दुनिया नहीं चलेगी ना भगवान तो नहीं चलते ना उसके मत से भगवान तो अपने से चलते अपने स्वतंत्रता चलते हैं तो उसको अगर ये मान्यता है कि शिव जी भगवान है तो ठीक है उसकी श्रद्धा को ठेस ना पहुंचाओ अल्टीमेटली तो वो भगवान तक पहुंच ही जाएगा लेकिन जब ये बोलते है कि भगवान है तो फिर आप भगवान की व्याख्या दो उनको शास्त्री कली की पूर्ण बल पूर्ण सौंदर्य अः पूर्ण यश है भगवान के पास तो है क्या शिव जी के शिवजी पास ये और ये पूर्ण मात्रा में है क्या तो कहा लिखा है बोले देखो भागवतम में ये लिखा है भगवान ने कि ये भगवान जो है पूर्ण से पूर्ण है और ये नहीं है कि मान लो अगर भगवान ने अपना धन किसी और को दे दिया तो भगवान कंगाल हो गए नहीं ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्य तो कहते भगवान हर हर इसमें पूर्ण है जैसे कोई मैं अगर आपको एक गागर भर के या घड़ा भर के अगर आपको पानी देती हूँ तो मेरा घड़ा ऐसा नहीं कि खाली हो जाएगा या भगवान का घड़ा नहीं है कि खाली हो जाएगा भगवान का घड़ा भरा का भरा ही पचपन है, है, है किसी में किसी में पच्चीस है किसी में पचास है शिव जी में बावन गुण है भगवान में चौसठ गुण है देवी देवताओं में पचास गुण है मनुष्यों में छब्बीस गुण है तो ये सारा ना आप उसको समझा सकते हो कि ये सारे चौसठ जो गुण है ये सिर्फ भगवान में है और अगर चौसठ गुण अगर आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देती भगवान के चौसठ गुण कौन से है उसको पढ़ाओ बोले कहाँ लिखा है आपके शिव जी के कितने गुण लाओ ठीक है ना तो इस तो वो कह रहा है ना शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जी भगवान है शिव शिव पुराण में पुराण लेके आ तो शिव पुराण लेके आ हम देखेंगे कि कहा लिखा है वो शिव पुराण में तो आ बातें उसको समझ में भी नहीं आती होगी क्या लिखा हुआ है <laughs> तो जी तो बातें करते रहते शिव पुराण में लिखा है ये देवी पुराण में लिखा है देवी भागवत में लिखा हुआ है वो ऐसे फट्टे मारने के लिए मारेंगे और क्या है क्योंकि यहाँ बात कभी कभी क्या हो जाती है ईगो की भी आ जाती है कि भाई हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है तो सिर्फ मेरी सन्स ये भी हो जाता है राइट थैंक यू हरे कृष्ण हाँ नहीं। नहीं। दित्ट्रेकर दित्ट्रेकर लता ईश्वर माता जी पूछ रही है कि अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति क्या है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने माता जी तो भगवान के अंदर से जो निकली है वो है अंतरंगा शक्ति अंदर से जो निकली है वो अंतरंगा शक्ति है और बहिरंगा शक्ति जो है वही अंतरंगा शक्ति का विस्तार है वही बहिरंगा शक्ति है तो अः भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो हलादिनी शक्ति और अः अः और श्रीमती राधा रानी ही उनकी अंतरंगा शक्ति है और बहिरंगा शक्ति ये बौद्धिक प्रकृति जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है क्योंकि वो बाहर है राइट तो इसलिए अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति का ये भेद है फिलहाल के लिए तो आप यही दो कि भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति का चलता है जो महामाया के रूप में है और आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति काम करती है जो योग माया के रूप में है योग माया का कार्य क्या है वो भगवान के और निकट ले जाती है वहां पे जितने भी ब्रजवासी है या कृष्ण भी है तो उनको जो है वो निकट ले जाती है और महामाया का यहाँ पे क्या काम है महामाया का काम यही है कि महामाया का काम है वो भगवान से हमें दूर ले जाती है और लेकिन जैसे ही महामाया देखती कि हम भगवान के निकट आने की कोशिश कर रहे हैं तो महामाया भी पीछे हट जाती है और फिर योग माया का रोल हमारी लाइफ में आ जाता है ठीक है ना किसी का और कोई प्रश्न है जी माता जी हरि कृष्ण श्री कृष्ण माता जी अच्छा दो लोग एक साथ बोल रहे हैं प्रिया तुलसीयानी माता जी पूछिए जरा जी जी मेरा क्वेश्चन सिमिलर है जो अभी प्रभु जी ने पूछा ना कि भगवान और ये वाली चीज Uh, मेरे हाथ में ऑलरेडी शिव पुराण भी है मतलब कि जिस तरह से भागवतम में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं तो उसी तरह से शिव पुराण में और आई ब्र, थिंक ब्रह्म पुराण में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है तो uh, इन सब में से अगर हम अगर इनको भी अगर कंसिडर करने लगेंगे तो हम फिर किसको ऊपर मानेंगे देखिए अगर पुराण को बिल्कुल ध्यान से पढ़ता है ना तो उसमें भी लिखा हुआ है कि शिव जी के जो स्वामी है वो भगवान कृष्ण ही है शिव जी किस पे ध्यान कर रहे हैं राम पे ही ध्यान कर रहे हैं जी ब्रह्मा संहिता में अगर हम ब्रह्म पढ़ते हैं तो ब्रह्मा किसकी गुणगान कर रहे हैं भगवान कृष्ण की ही गुणगान कर रहे हैं राइट हुँ, तो हुँ, लोग हमें बोल रहे हैं तो शिव पुराण ध्यान से पढ़कर उनको समझाना है कि भाई इनके स्वामी वो है और ब्रह्म संहिता में भी यही लिखा हुआ है कि भगवान ही ब्रह्मा के स्वामी है तो माता जी अगर शिव जी और ब्रह्मा जी का अपन देखें तो वो उनकी आराधना करते हैं तो जो कृष्ण जी हैं या फिर विष्णु जी हैं वो भी किसी की आराधना तो करते होंगे वो अपने भक्तों की आराधना कर रहे हैं, वो अपने भक्तों अच्छा। की कर रहे हैं। क्योंकि देखो भगवान के ऊपर कोई था कोई ना है नहीं भगवान से ऊपर कोई ना था ना है और रहेगा लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों का चिंतन करते हैं कोई पूछेगा भगवान कौन सा चिंतन कर रहे हैं तो जब द्वारका में आए थे भगवान 16108 हजार एक सौ आठ उनकी तो 16108 हजार एक सौ आठ विस्तार लिए थे एक सेकेंड एक सेकेंड तो 16108 पटरानियां थी तो भगवान भी ध्यान कर रहे थे लेकिन भगवान किन पे ध्यान कर रहे थे अपने भक्तों पे ध्यान कर रहे थे तो भगवान भी ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान और हमारे ध्यान में यही फर्क है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हम किसी लालच से ध्यान कर रहे हैं लेकिन भगवान जो है जब ध्यान कर रहे हैं तो जीवों का कल्याण करने के लिए उनको ध्यान कर रहे हैं ठीक है ये फर्क है ठीक है ना और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर I I have to you you. know research more then I will be satisfied. Okay. Okay. Thank you. जी. जी, देन्वाद देन्वाद। जी, uh, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम मान लो किसी देवी देवता की कोई पूजा करते हैं तो आई थिंक उन्हें अगर वो कुछ मांगना होता है तो वो कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं उनसे yes, yes, yes. absolutely. बट absolutely. रश्मि माता जी यू नो फॉर दैट स्टेज टू कम वो स्टेज आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा उनको ये जानने के लिए और जब तक वो लोग भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ते तो वो स्टेज आना भी थोड़ा मुश्किल है कि भाई देवता के पास मांगना भी है तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे कोर्स मुझे तो अभी इतने साल हो गए भक्तों की लाइफ में भी बहुत ही कठिनाइया जब आती है तो कोई हनुमान चालीसा करेगा कोई वो मृत्युंजय जाप करेगा और क्या क्या करेगा वो लेकिन उसको उसको अभी भी सफिशियंट फेथ नहीं है या श्रद्धा नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र पे कोई भी व्यक्ति अगर हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है तो हरे कृष्ण महामंत्र इज द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम सभी प्रॉब्लम का एक ही हल है वो है हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीवन में जो कुछ भी अगर उथल पुथल भी हो रहा है तो हमें यही समझना चाहिए कि मेरी माला में कहीं तो गड़बड़ है आई एम नॉट चैंटिंग या मे, मेरी श्रद्धा में गड़बड़ है मुझे मेरी श्रद्धा बढ़ानी है और श्रद्धा का लेवल एक्चुअली कब हंड्रेड परसेंटेज होता है वो भी बताती हूँ मैं जब सुकृति का लेवल हंड्रेड परसेंटेज स्टार्ट होता है वही से श्रद्धा स्टार्ट हो जाती है तो अभी भी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग हमारी सुकृतियां बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमारे पास श्रद्धा का सफिशियंट बैलेंस हो हंड्रेड परसेंटेज जब सुकृति का बैलेंस हो अभी सुकृति आप बोलोगे कि कैसे डेवलप करनी है तो सुकृति जो है वो बहुत छोटी छोटी चीजों से सुकृति डेवलप होती है जैसे तुलसी में जल देना तुलसी की परिक्रमा करना भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना या आ, मंदिर में जाके दंडवत करना या भगवान को फूल चढ़ाना भगवान को तुलसी पत्ता चढ़ाना एकादशी व्रत करना परिक्रमा करना ये सारी सुकृतियां हैं लेकिन फिर शुद्ध भक्ति में आप पूछोगे क्या आएगा तो शुद्ध भक्ति में कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृत अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम एक मिनट कृष्ण अनुशीलनम कहते हैं तो कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्य कोई भी दूसरी अभिलाषा न रखते हुए कृष्ण के अलावा ज्ञान और कर्म से अनावृत होके मतलब ज्ञान और कर्म से रहित होकर और कृष्ण अनुशीलनम जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा करना तो ऐसी भक्ति क्या है उच्चते है ये भक्ति उच्चतो भक्ति है लेकिन अभी ये उच्चतो भक्ति आने के लिए थोड़ा समय है थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है ये मतलब क्रम में जाना है हमें धीरे धीरे जाना है क्योंकि अभी हम लोग भजन क्रिया पे है बजन क्रिया को अगर बहुत करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी अनर्थ निवृत्ति होगी तो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव लेकिन प्रॉब्लम हम लोग अनर्थ निवृत्ति मतलब मैं अपने आप को भी बोलती हूँ कि मैं भी अनर्थ निवृत्ति पे ही अभी भी लटकी हूं और इसलिए जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे निष्ठा के स्टेज स्टेज तक तो जब व्यक्ति अनर्थ निवृत्तियों से ये हो जाएगा तो वो निष्ठा पे हो जाएगा तो फिर उसके पास एक ही ये है कि डू और डाय सिर्फ कृष्णा को ही मैं के पास जाऊंगी कि मुझे विश्वास है कि मुझे सिर्फ कृष्णा की ही भक्ति करनी है लेकिन उसके लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है एक तो आपका भजन है और एक है संग भक्तों का जो भक्तों का संग नहीं करता है तो उसकी श्रद्धा भी नहीं बढ़ती है क्योंकि वो बेचारा अंधे कूप में ही अपना घूम रहा है लेकिन जो भगवान के भक्तों का संग कर रहा है उनसे श्रवण करता है तो उसकी श्रद्धा और बढ़ती जाती है अब इसीलिए तो ये सारे भागवतम क्लास लिए जा रहे हैं तो हम लोग किससे सुन रहे हैं आप लोग मुझसे नहीं सुन रहे हो आ, हम सभी जो है हम शिला प्रभुपाद से सुन रहे हैं और हम शिला प्रभुपाद का व्यक्तिगत संग ले रहे हैं जब हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं तो और हम भगवान का भी व्यक्तिगत संग ले रहे हैं क्योंकि भागवतम जो है भगवान का ग्रंथ अवतार है भगवान स्वयं भी आते तो भगवान जब धराधल से गए इस दिन तो कृष्णा स्वधाम गोते तो कौन आया नीचे भागवत ग्रंथ आया नीचे तो हम जो है दो बहुत पावरफुल लोगों का संग ले रहे जो भागवतम पढ़ रहे तो एक प्रभुपाद जी का प्रपाद जी जो है वो हमें कृष्ण तक ले जा सकते हैं गुरु ही आपको कृष्ण तक ले जा सकते हैं ठीक है ना माता जी माता जी मीन कुछ और माता जी मीन में भी कुछ है तो आंसर। रचना माता जी आप पूछ सकते हो हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जो भगवान श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी जब भगवान वृंदावन छोड़कर एक एज के बाद द्वारका में चले गए थे तो वहां उन्होंने रुक्मणी जी से शादी किया था तो फिर राधा रानी के बारे में शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ हम पढ़ नहीं पाए कभी कि पता नहीं चला कि राधा रानी का क्या हुआ तो थोड़ा सा आप बताएंगे प्लीज देखो राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति हमेशा भगवान के पास ही रहती है और साथ ही रहती है वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि दो अलग अलग लोग हैं लेकिन राधा कृष्ण अलग नहीं है राधा कृष्ण एक ही है इसीलिए तो आए चैतन्य महाप्रभु राइट तो उल्लेख इसलिए नहीं दिया गया है कि जितना मनुष्य को समझना योग्य है या जितना वो डाइजेस्ट कर सके उतना ही शास्त्रों में दिया गया है जो मनुष्य डाइजेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास अपनी परिपक्वता अवस्था नहीं है तो वो शास्त्र में नहीं दिया गया है भागवतम में कहीं भी, भी राधा रानी का नाम नहीं आया है रा और धा भी नहीं आया हुआ है तो इसलिए जो जितना हम ग्रास कर सकेंगे या हमारी जो ये जो बोलते ना कि बुद्धि है इसको ग्रास कर पाएगी उतना ही शास्त्रों में दिया गया है हाँ जब हम परिपक्व अवस्था में पहुंचेंगे तब जाके हम राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं को समझ पाएंगे और भगवान से ईर्षा नहीं करेंगे वरना ये होगा कि भाई वो एंजॉय कर रहे तो मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकती हूँ तो ये एक्चुअली केस है इसका इसलिए फिर राधा रानी का कहीं भी भी उल्लेख नहीं है कि क्या हुआ उनके साथ कहाँ गए तो भगवान जब आते तो अपने सारे पार्षदों को लेके ले आते हैं और भगवान जब इस धाम से चले जाते तो अपने सारे पार्षदों को ऊपर लेके जाते हैं तो राधा रानी ने ही कहा था कि जब तक गोवर्धन नीचे नहीं आएगा मैं नीचे नहीं आने वाली हूँ तीन चीजें थी राधा रानी की डिमांड थी एक तो गोवर्धन एक यमुना और एक ब्रजरज ये तीन चीजें जब तक नीचे नहीं आएंगी तब मैं नीचे धराधल पर नहीं आऊंगी तो फिर जब आते हैं तो सभी साथ में आते है, जाते है तो सभी साथ में जाते हैं ठीक है ना जी? You, जी. मात जी, Hare, Hare माता जी थैंक यू माता जी हरे कृष्ण माता जी पूछिए हरे हरे माता जी आपका जो पहले का इन लोग का प्रश्न था शिव जी और कृष्ण का तो आपके चार्ट के द्वारा आपने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम तो वही आज ही में वो पूरा चार्ट री रिवाइज कर रही थी तो मैंने आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे कि ये शिव एक्सपानशन क्या है या आठ क्या है आदित्य क्या है तो और इन डेप्थ जानना है मुझे कि ये अवतार कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए है कृष्ण के अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम ये जो है ना ये जो आठ वसु है बारह बारह आदित्य है ना ये बारह सूर्य ही है ठीक है ना और ग्यारह जो शिवजी के जो जो बारह शिवजी के जो अवतार है वो वही है क्योंकि ब्रह्मा के भ्रुकुट से निकलते हैं लॉर्ड शिवजी है ना शिवजी वहां से निकलते हैं तो फिर उनका फिर विस्तार होता है और ये अभी आगे हम लोग है ना भागवतम में कहीं ना कहीं ये इसका उल्लेख आने वाला है तो तब थोड़े लिए थोड़े आपको थोड़ा जरा रुकना हाँ, जी तब भी समझ में आया क्योंकि ये थोड़ा चार्ट है ना अभी अ थोड़ा बोलते ना कि बहुत लाइक नो बहुत कंसाइज चार्ट है इसका एक बहुत ना विस्तार वाला भी एक चार्ट है वो भी मैं बेचती हूँ आज केश <laughs> माताजी तब पता चला कि पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों कहते हम और देवों के देव कहते महादेव को हम देवों के देव कहते पर उसको पूर्ण रूप नहीं कहते तो जो अपने जो कृष्णा भगवान है नारायण रूप विष्णु रूप जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उसकी आराधना ही हमें क्यों मुक्ति की ओर लेके जाती है और आज पूरा यही अपना अध्याय था ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आया माता जी हम्म शुक्रिया और अभी तीसरा अध्याय भी इसी पर ही है पूरा भगवान के जितने विस्तार है जितने भी अवतार है उनके बारे में सारा पूरा तीसरा अध्याय इसी पर ही है तो और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको तो और हमें भगवान के जो ये सारा भगवान की महानता के बारे में बता रहे भगवान की महानता के बारे में जानोगे तो जब दसवें पे आओगे तो उनकी मधुरता के बारे में आप उसकी सराहना करोगे आप ईर्षा नहीं करोगे भगवान के साथ इसलिए पूरे नौ स्कंद जो है सिर्फ भगवान की महानता के बारे में बता रहे हैं भगवान भक्तों के बीच में जो प्रेम भरा व्यवहार है संबंध है और पूरा भगवान भगवान की बल गुणगान से भरा पड़ा हुआ है तो जितना गुणगान सुनेंगे 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 दसवें अध्याय तक जो है हमारा काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ये सारा ईर्षा इतना खत्म हो जाएगा कि रियली जो दसवा स्कंद है जो भगवान का मुखमंडल है मुखमंडल के तुलना में है उसका हम रसास्वादन कर पाएंगे वरना जो व्यक्ति अः ईर्षालु है वो उस दसवें स्कंद का रसास्वादन नहीं कर पाएगा रास पंच अध्याय का रसास्वादन नहीं करेगा वो भगवान के साथ सिर्फ ईर्षा करने में ही रह जाएगा और सिर्फ ऊपर ऊपर तक ही वो कहानी पड़ेगा और ईर्षा करते रह जाएगा और ईर्षा करेगा तो और नीचे योनियों में जाएगा इसलिए नौ पूरा एक बोलते ना कि जैसे अभी ट्रेन आने वाली है तो ट्रेन आने से पहले ट्रेन अगर किसी को रेलवे स्टेशन बनाना है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा उसको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा राइट प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ही आप ट्रेन को बोर्ड कर पाओगे उसी तरह ये सारे नौ स्कंद जो है ये प्लेटफॉर्म है हमारे लिए ये फाउंडेशन है ये नीव है कि गोलो की ट्रेन जो आएगी तो उसमें हम बहुत सहजता से प्रवेश करके हम पार हो जाएंगे ठीक है ना किसी का और कोई प्रश्न ठीक है मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी मेरे बच्चे आ गए हैं तो काव-काव <laughs> कर रहे ठीक है शिला प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा गीता है गौर प्र